नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली दरभंगा से दिल्ली जा रही ट्रेन में बम की खबर से हड़कंप मच गया। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में बम की खबर मिली थी, जिसके बाद यूपी के गोंडा रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। जी हां, 1 घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। इस दौरान ट्रेन में डॉग स्क्वाड की टीम सर्च ऑपरेशन चलाया और आरपीएफ जीआरपी के जवान भी ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जांच में अब तक कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही ट्रेन में बम होने की सूचना से गोंडा रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। इस खबर के बाद गोंडा के पुलिस अधीक्षक, सिविल पुलिस के 2 ASP और 1 CO, नगर कोतवाली पुलिस की टीम, आरपीएफ और जीआरपी के जवान तत्काल सक्रिय हो गए और ट्रेन की सघन जांच शुरू कर दी। इस दौरान टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर ट्रेन की सभी बोगियों की बारीकी से तलाशी ली। लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रही, जिससे यात्री परेशान भी हो गए। राहत की बात हालांकि ये रही कि तलाशी के दौरान अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या आपत्तिजनक चीज नहीं मिल पाई है। तो दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दरभंगा से दिल्ली जा रही ट्रेन में अचानक बम मिलने की सूचना मिलती है, एक बॉम्ब थ्रेट मिलता है, जिसके बाद ट्रेन में हड़कंप मच जाता है। ट्रेन को गोंडा रेलवे स्टेशन पर ही रुकवाया जाता है। ट्रेन वहां लगभग 3 घंटे तक खड़ी रहती है, जिसके बाद 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आरपीएफ जीआरपीएफ तमाम पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक ट्रेन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि बीते 2 महीने में कई तरह की ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स या तो फ्लाइट्स में या फिर ट्रेन में मिल चुके हैं। हालांकि जितने भी ये बॉम्ब थ्रेट्स मिलते हैं, अंत में ये सब अफवाह ही निकलते हैं। और ऐसा ही एक मामला ट्रेन में भी देखने को मिला, जो दरभंगा से दिल्ली जा रही ट्रेन में बॉम्ब का थ्रेट मिलता है, बम होने की धमकी मिलती है, जिसके बाद यूपी के गोंडा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को 1 घंटे के करीब रुकवाया जाता है। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, 3 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पूरी ट्रेन यानी ट्रेन की हर एक बोगी को अच्छे से यहां पर उसमें जांच की गई, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है गोवर्धन पूजा की। प्रदेशवासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार्दिक बधाइयां दी हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त श्रद्धालुओं के मनोरथ पूर्ण करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में लिखा है कि गोवंश संवर्धन और प्रकृति संरक्षण के लोक मंगलकारी भाव को प्रदर्शित करती गोवर्धन पूजा की प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आज गोवर्धन पूजा का मौका है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भगवान श्री कृष्ण सभी श्रद्धालुओं के मनोरथ पूर्ण करें, यानी उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर ये भी लिखा कि गोवंश संवर्धन और प्रकृति संरक्षण के लोक मंगलकारी भाव को प्रदर्शित करते गोवर्धन पूजा की प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि प्रदेशवासियों और समस्त श्रद्धालुओं के मनोरथ जरूर पूर्ण करें और सुख समृद्धि आरोग्यता उन्हें प्रदान करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा का मौका है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाइयां दी है। साथ ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने का प्रार्थना भी की है। खबर संभल से है, जहां जिले से हैरान कर देने वाले एक मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता ने 2 मासूम बच्चों पर जमकर कहर बरपाया। मासूम बेटों की ना सिर्फ लाठियों से पिटाई की गई, बल्कि 3 दिन तक टॉयलेट में भी उन्हें बंद रखा गया।
मासूम बच्चों ने अपने साथ हुई दिल दहला देने वाली दास्ता को पुलिस के सामने रखा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में ले लिया है। मामला हयात नगर थाना इलाके के गांव दौलतपुरी का है। बता दें कि गांव निवासी महेश ने करीब 3 साल पहले मुरादाबाद निवासी 2 बच्चों की मां रेखा के साथ शादी की थी। करीब 2 महीने पहले रेखा की मौत हो गई। इसके बाद उसके दोनों बच्चे सौरभ और शौर्य की परवरिश की जिम्मेदारी महेश पर आ गई। पूरा मामला हयात नगर थाना इलाके के गांव दौलतपुर का है। तो संभल से पूरा मामला, जहां सौतेले पिता की करतूत सामने आई है। 2 मासूम बेटों को जमकर सौतेले पिता ने पीटा और उसके बाद टॉयलेट में भी बंद कर दिया। 3 दिन तक टॉयलेट में उन दोनों मासूमों को बंद रखा गया, खाना भी नहीं दिया। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है और पिता को भी हिरासत में ले लिया है। बेटे किसने मारा बेटे? पापा तुम्हारे दूसरे हैं क्या? हैं? सौतेले हैं? तो संभल से ये पूरा मामला, जहां एक सौतेले पिता की करतूत सामने आई है। सौतेले पिता ने अपने दोनों मासूम बच्चों को जमकर पीटा, 3 दिन तक टॉयलेट में बंद रखा और खाना भी नहीं दिया। इसके बाद पुलिस को जब मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया, साथ ही सौतेले पिता को यानी आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। बेटे किसने मारा बेटे? वहीं रायबरेली से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां दबंगों द्वारा पुलिस कर्मियों की पिटाई का मामला सामने आया है। दारोगा हिमांशु मलिक की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। 9 नामजद लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीच सड़क दारोगा सिपाही को दबंगों ने जमकर पीटा। पुलिस ने 6 नामजद लोगों को हिरासत में ले लिया है। दलमऊ के घुरवारा में पुलिस कर्मियों पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। तो रायबरेली से यह पूरा मामला, जहां कुछ दबंग पुलिस पर बरस गए। रायबरेली से बड़ी खबर, दबंगों ने पुलिस कर्मियों को जमकर बीच सड़क पीट दिया। इसमें दारोगा हिमांशु मलिक भी शामिल थे। वहीं दारोगा हिमांशु मलिक की तहरीर पर मामला दर्ज हो गया है। 9 नामजद लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये पूरा मामला रायबरेली से है, जहां बीच सड़क पर दारोगा समेत सिपाही को दबंगों ने जमकर पीट दिया। बीच सड़क में सरेआम इस करतूतों को दबंगों ने अंजाम दिया, जमकर पिटाई की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 6 नामजद लोगों को हिरासत में ले लिया है। रायबरेली के डलमऊ के घुरवारा का ये पूरा मामला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से रायबरेली से पूरा मामला सामने आया है, आमतौर पर जो दबंग होते हैं उन्हें पुलिस का खौफ होता है, लेकिन ये बिल्कुल उलट, जो साफ ये दर्शाता है कि अब दबंगों में पुलिस का भय नहीं है, डर नहीं है। बीच सड़क में कुछ दबंग जो है पुलिस कर्मियों को पीट देते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से रायबरेली जिले का एक मामला आया है, कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है, क्योंकि कानून का खौफ जो है रायबरेली जिले में नहीं देखा गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह जो है रायबरेली जिले में दबंगों ने दरोगा और सिपाहियों की पिटाई कर दी। तो इस मामले में, हालांकि इस मामले में अब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और जो आरोपी है इनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अहम पहलू है कि कानून का खौफ कहीं ना कहीं यूपी के रायबरेली में जिस तरह से खत्म होता दिख रहा है या बेहद गंभीर है, और इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में जो अन्य जिले से भी ऐसी तस्वीरें और घटनाएं सामने आ सकती है। जी आसिफ, क्या दारोगा और क्योंकि दारोगा थे, साथ में एक सिपाही था और दबंग थे, तो क्या कुछ झड़प हुई थी, कुछ कहासुनी हुई थी, जो विवाद जो है ऐसे बदल गया कि जो दबंग है वो दारोगा और सिपाही पर बरस जाते हैं, जमकर पिटाई कर देते हैं बीच सड़क? जी बिल्कुल, जो जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से, और पुलिस का कहना है कि जो दबंग थे उनसे झड़प हुई और झड़प के बाद जो है पूरी तरह से मारपीट में यह मामला बढ़ जाता है, और जिस तरह से दरोगा और पुलिस कर्मियों पर दबंगों ने हमला किया
हालांकि इस मामले में जो है अब जो ताजा अपडेट आ रहा है इसमें कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है और साफ तौर पर जिस तरह से यह घटना आई है इस पर अब गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और एसपी का कहना है कि इसमें कोई भी चाहे दबंग हो चाहे जो भी हो सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी जिस तरह से आसिफ आपने बताया कि कुछ गिरफ्तारियां भी यहां पर हो गई हैं, कुछ दबंगों को हिरासत में भी लिया है, पूछताछ कितना आगे बढ़ पाई है और बाकी दबंगों की धरपकड़ के लिए क्या कुछ कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं? देखिए जिस जो मामला सामने आया है इस मामले में प्रथम कार्रवाई में आरोपियों पर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया गया और इसमें करीब आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और साथ ही साथ इन पर अब जो है कठोर से कठोर कार्रवाई का निर्देश भी एसपी ने दे दिया है। और चीज यहाँ पर सोचने वाली भी है आसिफ की बीच सड़क दबंग जो होते हैं पुलिस पर ही बरस जाते हैं, जमकर पिटाई करते हैं, जिससे एक मैसेज या जो संदेश है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच, जब पुलिस वाले दबंगों से सुरक्षित नहीं है तो जनता के बीच भी एक गलत संदेश जाएगा। जहां यूपी में एक तरह से बात बार बार की जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो ये तस्वीरें बिल्कुल उलट, जनता क्या समझे? देखिए जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि यूपी पुलिस जो है यूपी काप जो है बहुत मजबूत है, अपराधियों पर जो है कहर बनकर टूटती है, साथ ही साथ अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वह कोई अपराध कर सके, लेकिन जिस तरह से रायबरेली में यह घटना सामने आई है कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है क्योंकि इसी पुलिस के एक गाथा जो है अधिकारी गाते हैं, यूपी सीएम खुद जो है कहते हैं कि उनकी पुलिस बेहद सशक्त और मजबूत है, लेकिन जिस तरह से रायबरेली की यह घटना सामने आई है अपने आप में पुलिस विभाग के लिए शर्मनाक भी मानी जाती है और खासकर चाहे डीजीपी हो या फिर एडीजी हो उनके जो दावे हैं उसकी हवा भी निकलती निकलने की बात कही जा सकती है। फिलहाल जिस तरह से दरोगा पर यह हमला हुआ, पुलिस टीम पर यह हमला हुआ, यह अपने आप में काफी खौफनाक भी तस्वीर है। अगर इसमें कार्रवाई की नजीर न बनी तो शायद जो है दबंगों के हौसले बुलंद होंगे और ऐसी जो घटनाएं हैं रायबरेली की जो घटनाएं हैं पुलिस पर हमले की इससे जो है कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में इजाफा भी हो सकता है। फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि 6 आरोपियों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है और इन पर बड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में रायबरेली जिले में दबंग इतने दबंगों के हौसले बुलंद है कि वह पुलिस को भी रायबरेली से शायद आसिफ ये कोई पहली घटना नहीं है, कई बार इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, तो क्या माना जाए कि रायबरेली की पुलिस के हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है? क्या जितना एक्टिव होना चाहिए दबंगों के खिलाफ जो नकेल कसनी चाहिए वो नहीं कसी जाती, और क्या यही वजह कि जो दबंग है उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? पुलिस का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, कानून व्यवस्था का डर नहीं है, खौफ नहीं है? निश्चित तौर पर यह जिस तरह से रायबरेली जिले का यह मामला सामने आया है, हालांकि इससे पहले भी यूपी के जिलों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं, लेकिन जिस तरह से अब सरेआम सड़क पर दबंगई होती है, गुंडई होती है और जिस तरह से जो है पुलिस पिटती है यह काफी जो है गंभीर विषय है। और जिस तरह से और रिया बता दी कि यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है रायबरेली के डलमऊ का, जहां पर दबंग मारपीट करते हैं, हालांकि दरोगा की शिकायत और 9 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, हालांकि जीडी पुलिस के ही हाथ में है, लेकिन ऐसा जो है ऐसी हिम्मत जो दबंगों में देखी गई पुलिस के साथ मारपीट करने की और पुलिस के दरोगा जो है जो पुलिस विभाग के दरोगा हिमांशु मलिक पर हमला होता है, हालांकि पुलिस इसके बाद एक्टिव हुई, कई थानों की पुलिस जो है इकट्ठा हुई और इस मामले में जो है 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन यह मामला अपने आप में बेहद गंभीर है और
बिल्कुल आसिफ, काफी गंभीर यह मामला और यही वजह है कि देखना काफी खास होगा कि अब पुलिस अपनी जो छवि बिगड़ी है उसको सुधारने के लिए डैमेज कंट्रोल किस तरह से करती है। आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब यूपी उपचुनाव के कर लेते हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जो सहयोगी दल है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। मीरापुर में 6 नवंबर को जयंत चौधरी प्रचार प्रसार करेंगे, 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। जयंत चौधरी 6 नवंबर को गांवों में प्रचार प्रसार करेंगे। इस दौरान सीएम योगी की मोडना या मीरापुर में भी जनसभा होगी। 4 नवंबर को भूपेंद्र सिंह चौधरी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 4 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 9 या 10 नवंबर को अखिलेश यादव भी मीरापुर में जनसभाएं करेंगे। तो यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एक सीट यानी जो मीरापुर की सीट है बीजेपी ने अपनी सहयोगी आरएलडी को दी है। अब ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके जो सहयोगी है वो चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरह से आपको बता दें कि मीरापुर को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है और बीजेपी की सहयोगी आरएलडी यानी जिसके खाते में वो सीट गई है वो भी एक्टिव है। मीरापुर में 6 नवंबर को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी प्रचार प्रसार करेंगे। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। यानी जयंत चौधरी 6 नवंबर को जो अलग अलग गांव है जो मीरापुर क्षेत्र के अंदर आते हैं वहां जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, जनता से 1-to-1 कनेक्ट करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीरापुर या मोरना दोनों में से एक जगह पर जनसभा करेंगे, जनता को साधेंगे और बीजेपी या एनडीए के पक्ष में या आरएलडी के पक्ष में जो है माहौल बनाएंगे। वहीं 4 नवंबर को भूपेंद्र सिंह चौधरी भी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मीरापुर में सम्मेलन करेंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मीरापुर क्षेत्र से ही आते हैं, ऐसे में उनकी पकड़ वहां पर मजबूत है। तो 4 नवंबर को भूपेंद्र सिंह चौधरी भी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 4 नवंबर को कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे। 9 और 10 नवंबर को अखिलेश यादव का मीरापुर में जनसभा का कार्यक्रम है। वही खबर संभल से है, जहां जिले में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान विवाद के चलते दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया। शुक्रवार को गांव निवासी दिलशाद और उसकी पत्नी परवीन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। आरोप है कि पति पत्नी ने एक दूसरे पर घर में रखे चाकू से हमला कर दिया है। इस हमले में दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए, दोनों खून से लथपथ नजर आए। गंभीर हालत में दोनों को गुन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिंताजनक हालत में पत्नी को अलीगढ़ रेफर किया गया है। फरवीन बाई हो दिलशाद और दिलशाद सन ऑफ सत्तार दो आए, मेयर हस्बैंड वाइफ हैं। कुछ आपसी विवाह था, उसके चक्कर में घायल अवस्था में उनका प्राइमरी अपराध उपचार करकर हमने इन्हें जीएनएमसी एरिया में रेफर कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां मुरादाबाद में जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। सुंदर की थाना इलाके के मौसमपुर की यह पूरी घटना है। तो मुरादाबाद से आपको खबर बता दें, जहां जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। कुंदर की थाना इलाके के मौसमपुर का यह पूरा मामला है। तो मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में एक जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि धू धू कर पूरी फैक्ट्री जल गई। लाखों रुपए का सामान इस दौरान जो फैक्ट्री में रखा था वो जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया है। तो कुंदरकी से पूरा मामला, जहां एक जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।
तो मुरादाबाद से पूरी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत दमकल की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।